हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस हफ्ते का रॉ WWE फैंस के लिए इस साल का सबसे अच्छा मंडे नाइट रॉ रहा होगा, क्योंकि लगभग 4 महीने बाद द बिग डॉग रोमन रेक्स अपने यार्ड में वापस आ गए और शील्ड को भी रियूनाइट होते हुए देखा हमने। लेकिन शील्ड पूरी तरह से एक नहीं हुई है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस अभी तक टीम में वापस नहीं आए, पर शील्ड जल्दी रियूनाइट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि शील्ड कब और कैसे रियूनाइट होगी, और हम ये भी जानेंगे कि क्या अब रोमन रेक्स हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आएंगे या नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। रोमन रेक्स इस हफ्ते रॉ में रिटर्न आ गए और उन्होंने WWE यूनिवर्स को ये खुशखबरी दी कि उनका ल्यूकेमिया ठीक हो गया है और वो अब रॉ में वापस आ गए। उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद सेथ रॉलिंग्स उनसे मिलने आए, लेकिन डीन एम्ब्रोस को हमने नहीं देखा। उसी रात डीन एम्ब्रोस का मैच हुआ ड्रू मैकइंटायर के साथ, और मैच के बाद उन पे बॉबी लैशली, बैरन कॉर्बिन, एलायस और मैकइंटायर ने मिलकर अटैक कर दिया। लेकिन उन्हें बचाने रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंग्स आ गए और उन दोनों ने मिलकर डीन एम्ब्रोस को बचा लिया। डीन एम्ब्रोस को बचाने के बाद रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंग्स गले मिले, पर उन्होंने डीन एम्ब्रोस से कुछ नहीं कहा। और वहां से जाते टाइम जब उन दोनों ने पलट के देखा तो डीन एम्ब्रोस उन्हें देखकर स्माइल करने लगे। रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंग्स ने ऐसा इसलिए किया ताकि डीन एम्ब्रोस को अपनी गलती का एहसास हो। आपको याद होना चाहिए, जिस दिन रोमन रेक्स WWE छोड़कर गए थे उसी दिन डीन एम्ब्रोस हील टर्न हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया था सेथ रॉलिंग्स पर। बस इसी गलती का एहसास करवाने के लिए उन दोनों ने डीन एम्ब्रोस से कुछ नहीं कहा और वहां से वो दोनों चले गए। सेथ रॉलिंग्स भी धोखा दे चुके हैं रोमन रेक्स और डीन एम्ब्रोस को, लेकिन इन तीनों ने पहले भी अपनी सब गलतफहमी दूर करके शील्ड को रियूनाइट किया था। और इधर कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि WWE ने डीन एम्ब्रोस को फिर से फेस बना दिया है। और रिंग साइड न्यूज, जो कि एक बहुत बड़ी रेसलिंग वेबसाइट है, उससे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि शील्ड को फास्टलेन पेपरव्यू से पहले रियूनाइट किया जाने वाला है, और इसलिए फास्टलेन पेपरव्यू में शील्ड का मैच भी हमें देखने मिल सकता है। अगले कुछ हफ्तों के रॉ में ही शील्ड फिर से एकजुट होगी और शील्ड का पहला मैच होगा बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली के साथ। और एक और अच्छी खबर यह है कि जब रोमन रेक्स इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या डीन एम्ब्रोस रेसलमेनिया के बाद WWE से चले जाएंगे, तो रोमन रेक्स ने यह कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे एम्ब्रोस को रोकने की, और मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस अब नहीं जाएंगे, क्योंकि डीन एम्ब्रोस बुरी स्टोरी लाइन मिलने की वजह से जा रहे थे। लेकिन अब रोमन रेक्स के आने के बाद उन्हें भी अच्छी स्टोरी लाइन मिलेगी और एम्ब्रोस फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे WWE के साथ। रोमन रेक्स कल के मंडे नाइट रॉ के बाद गुड मॉर्निंग अमेरिका नाम के न्यूज शो में गए थे और वहां उन्होंने बताया कि कैसे वो नर्वस थे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट को लेकर, लेकिन फैंस ने उनको बहुत सपोर्ट किया और अब वो फिर से अपना यार्ड क्लेम करेंगे। और कल रोमन रेक्स ने ये ट्वीट किया है कि अब वो तैयार है काम पे जाने के लिए, यानी कि WWE में मैचेस करने के लिए। तो दोस्तों, रोमन रेक्स हर हफ्ते रॉ में आएंगे और अब रॉ देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि रोमन रेक्स तो वापस आ ही गए और अब शील्ड भी रियूनाइट होगी। रॉ की रेटिंग हर हफ्ते गिरते जा रही थी, लेकिन इस हफ्ते की रॉ की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस हफ्ते रॉ को देखा 2.92 मिलियन लोगों ने, जो कि 151,000 ज्यादा लोग थे पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में। और ये सब सिर्फ हुआ रोमन रेक्स के रिटर्न आने की वजह से। WWE काफी इनसिक्योर फील कर रहे थे ऑल एलाइट रेसलिंग से, लेकिन अब रोमन रेक्स के रिटर्न आने के बाद WWE को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप शील्ड की पूरी हिस्ट्री जानना पसंद करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं शील्ड की इस हफ्ते वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए तो मैं इस हफ्ते आपको शील्ड की फुल स्टोरी बताऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।